नगर निगम अंबिकापुर में इन दिनों जल संकट मंडरा रहा है, जिसको लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बाकी डैम जलाशय का निरीक्षण किए और निगम क्षेत्र में पानी की कमी को जल्द दूर करने आवश्यक निर्देश निगम अधिकारियों को दिए। बावजूद निगम क्षेत्र के लोगों को एक टाइम ही पानी नसीब हो पा रहा है। इस वर्ष पानी नहीं गिरने से बाकी डैम जलाशय में पानी लगभग खत्म होने की कगार पर है। लिहाजा विपक्षी दल भाजपा पानी के मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर के गुरु नानक चौक पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की फोटो को रख कर हवन किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि 48 घंटों के भीतर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या दूर नहीं की गई तो भाजयुमो उग्र प्रदर्शन करेगी। भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने अमृत मिशन योजना के तहत 106 करोड़ की राशि दी गई थी कि शहर में नए सिरे से पाइपलाइन बिछाई जाए और श्याम घुनघुटा जलाशय से पानी लाकर शहर के सभी वार्डों तक पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके, लेकिन वह काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। यही कारण है कि निगम क्षेत्र में आज जल संकट मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, भाजयुमो के उपाध्यक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि उप मुख्यमंत्री को मार्च महीने में ही बाकी डैम जलाशय का निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन वह आज निरीक्षण करके महज खन पूर्ति कर रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा अंबिकापुर नगर मंडल के द्वारा अंबिकापुर शहर में पिछले सप्ताह भर से जो पेयजल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, उसे लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। अंबिकापुर के स्थानीय विधायक टीएस सिंह देव जी हैं, उनको सद्बुद्धि दे भगवान, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन का हमारा मूल उद्देश्य ये था कि अंबिकापुर शहर में से लगा हुआ जो बाकी जलाशय है, जहाँ से अंबिकापुर शहर को पानी मिलता है, अभी आप देख रहे हैं कि बरसात नहीं हो रही है, धीरे धीरे करके बाकी जलाशय सूखता चला जा रहा है, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ नगर निगम और यहाँ के स्थानीय विधायक अनभिज्ञ थे। आज अंबिकापुर की स्थिति ये हो गई है कि एक टाइम पानी मिलने के लिए लोग तरस रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो अपने सीएम की कुर्सी की दौड़ के लिए यहाँ से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं, रायपुर तक की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनको बाकी जलाशय और घुनघुटा डैम जाने का समय नहीं मिला। जब स्थिति बद से बदतर हो गई तो वो लोगों को दिखाने के लिए घुनघुट्टा डैम का निरीक्षण करने जाते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ये विरोध प्रदर्शन की है कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान कि ये जो व्यवस्थाएं बनी हुई थी केंद्र की सरकार ने, इसके लिए 106 करोड़ रुपए दिया था, लेकिन नगर निगम प्रशासन, स्थानीय विधायक, यहाँ के प्रशासन सोई हुई थी। अभी तक लोगों के घरों तक नल कनेक्शन नहीं पहुँच पाए, पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही, तो कब ये यहाँ की टीम जागेगी और कब यहाँ की जनता को इससे राहत मिलेगी। और भारतीय जनता युवा मोर्चा चेतावनी देती है कि अगर 48 घंटे के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन और यहाँ के स्थानीय विधायक होंगे।